फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बहुत ही टेस्टी रवा ढोकला की रेसिपी जो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं रवा ढोकला। टी रवा ढोकला बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी। इसे हमने अच्छी तरह छान लिया है। इसे जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हम कर लेंगे। थोड़ा सा दही खट्टा होना चाहिए। साथ में ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 मैंने हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इसको अच्छी तरह मैंने कूट लिया था। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सब चीजों को हम आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप पानी। देखिए, हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए। बिल्कुल 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको ढककर रख देती हूँ। और जिस टीन में हम इसको स्टीम करेंगे उसमें हम ऑयल लगा लेते हैं। दस मिनट बाद देखिए हमारा जो सूजी का बैटर है ये थोड़ा सा फूल गई है सूजी। अब हम इसके अंदर 1 फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इनो का पैकेट 1 पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे। ये 1 टीस्पून के करीब पूरा पैकेट होता है। और अच्छी तरह हम इसे फैट लेंगे। बस हमें क्या करना है, फटाफट इसको इस टिन में हमें पोर करना है। दूसरी तरफ मैंने स्टीमर रख दिया है गैस पे। ये काम आपको साथ के साथ ही करना है। इसे अच्छी तरह टैप कर लेंगे और अब हम इसे स्टीमर में रख देते हैं। देखिए, मैंने पहले ही पानी गर्म होने रख दिया था। आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कोई कढ़ाई लेकर उसमें भी पानी करके आप स्टीम इसको कर सकते हैं। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए हम इस ढोकले को स्टीम करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। 15 मिनट बाद हम ढोकले को चेक कर लेंगे। उससे पहले आपको इसका ढक्कन नहीं हटाना है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल स्टिक, कहीं से भी चिपक नहीं रहा है हमारा ढोकला। तो इसका मतलब हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार है बनके। आप देख सकते हैं मेरा ढोकला बहुत गर्म है, तो हम इसको अभी डीमोल्ड नहीं करेंगे। इसको 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। फिर हम इसको निकाल के इसके पीसेस कट करेंगे। इतने हम देख लेते हैं तड़के के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों के दाने, हरी मिर्चियाँ 3 से 4, कड़ी पत्ता है, 1 चम्मच तिल है सफ़ेद, 1 चम्मच नींबू का रस है और ऑयल। तड़के के लिए मैंने पैन रख दिया है। इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल लूँगी। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी सरसों के दाने। साथ में हम इसमें डाल देंगे करी लीव, हरी मिर्चें 4 से 5, तिल डाल देंगे 1 चम्मच, साथ में 1 चम्मच नींबू का रस। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर दें। अब हम ढोकले को देख लेते हैं। ढोकला ठंडा हो गया है। साइड से हम इसके किनारे इस तरह से रिमूव करेंगे। एक प्लेट लेकर हम इसको हल्का सा हम इसे ऐसे टैप करेंगे और देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया है। और ये बहुत सॉफ्ट बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जाली, इसमें कितनी अच्छी जाली आई है। और ये बहुत सॉफ्ट बना है ढोकला हमारा। अब हमने जो तड़का तैयार करा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने आराम से ये कट रहा है।
मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा बना है और कितनी अच्छी इसके अंदर जाली आई है। आप देखिए बहुत ही अच्छी हमारे ढोकले में जाली आई है। फ्रेंड्स इसे मैं सर्व करूंगी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी, साथ में केचप है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।